कुछ देर पहले विवेक जी ने बताया था कि हमारे फिल्म का जो कॉस्ट्यूम है वो बेहतरीन है, तो कॉस्ट्यूम जो है यानी वस्त्र जो है, जो लोग ड्रेस पहनते हैं फिल्म में, वो जो की हैं वो है वर्षा जी। तो आज आपसे रूबरू करवाते हैं हम वर्षा जी का। वर्षा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छी। पूरे दर्शकों को ना पता नहीं चलता है कि कौन आदमी क्या किया कौन नहीं किया, पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं जो उनके मेहनत को लोग अनदेखा कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। लेकिन हमारे आज का जो वीडियो है इसका ये कोशिश है कि पीछे वाले लोग भी जो हैं वो फ्रंट पे आएँ, क्योंकि आपने कॉस्ट्यूम बहुत कमाल का किया है, उसका ट्रेलर हमने देखा और दर्शकों को भी बहुत पसंद आया, फोटोग्राफ तो बहुत दिनों से वायरल चल रहे थे। तो ये कॉस्ट्यूम करने से पहले आपने क्या रिसर्च किया, क्या होमवर्क किया? हमने यही कोशिश की कि उसे एक ट्रेंडी लुक देना, उसे यंगस्टर्स का लुक देना, बिकॉज हमारा पूरी टीम यंग है। हमारी निधि ने उस कॉस्ट्यूम के साथ बहुत जस्टिफिकेशन किया, बहुत ही उन पे सारी ड्रेसेस फबी और उन्होंने उसमें एक्शन किया, उन्होंने गाउन पहन के एक्शन किया, काबिले तारीफ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। बट कॉन्सेप्ट यही था कि जब अगर हम अलग मूवी बना रहे हैं तो हमारे कॉस्ट्यूम भी डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा, तो अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग कोई गांव का फिल्म बनाएंगे तो क्या उस टाइम में कॉस्ट्यूम थोड़ा सा अलग वहां भी देखने मिलेगा? डिफरेंट, एकदम डिफरेंट मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसा हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जैसे फिल्म का बैकग्राउंड होगा, उस हिसाब से अगर गाँव पे बेस होगा तो हमारे अगर लहंगे भी बनेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, कुछ अलग कर पाऊँ। तो इस फिल्म के गाने आपको कैसे लगते हैं, दर्शकों को तो बताइए गाने कैसे हैं हमारे? जब मैंने ये इनके गाने सुने तो अब शायद मेरी जबान पे इस मूवी के नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरे मतलब मैंने इसमें काम किया, पर इसलिए कि इसके गाने इतने मीठे हैं और इतने बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे गाने हैं, तो दे आर द सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस मूवी एक्चुअली। तो अब भोजपुरी दर्शकों को आप अपनी तरफ से एक अपील करना चाहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल। वैसे तो हर मूवी बनने में बहुत मेहनत लगती है, हर किसी की मेहनत लगती है, इस मूवी में भी हमने काफ़ी मेहनत की है, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग आए और ये मूवी ज़रूर देखें, सब परिवार आए, क्योंकि आप बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारी गारंटी है कि आप निराश होकर नहीं जाएंगे। धन्यवाद।